अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोटे। तो कई लोगों को पसंद होती है, कई पसंद करते हैं, कई नहीं करते। जो हम तो खा लेते हैं, हमें पसंद है। ये वैसे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे के लिए ना पेट खराब हो गए थे, तब भी सही है। अच्छा, मैंने चूल्हे पे गैस का चढ़ाया और उसमें मैंने दो प्याज डाले हैं, उसको सोते करते हैं। सो ये मैं ऊपर आई थी, अम्मी को ना मैंने जो लहसुन लगाया हुआ था अम्मी को वो चाहिए था हंडिया में डालने के लिए, तो मैं ऊपर लेने के लिए आई थी। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना माशाल्लाह प्यारा है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये घर पे उगाया ना, इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स वगैरह नहीं है। सो अभी इनको लेते हैं और नीचे चलते हैं। प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं डालने लगी हूँ लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली। ये मैंने पीस लिए, इसकी अच्छे से बनाई करते हैं। अच्छा, ये कुछ मसाले जाएंगे जिसमें हल्दी, छोटी मिर्च, छोटे धनिया और ये जीरा, ये काली मिर्च, ये थोड़ी सी मैं पीसी मिर्च डालने लगी हैं, इसलिए मैंने ग्रीन चिली डाली है ना, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो इसकी अच्छे से बनाई करते हैं, आप भी चेक करें, बनाए, बहुत मज़े की लगती है। ये है ग्रीन लहसुन, ये मैंने ऊपर लगाया हुआ क्यारी में। ये ग्रीन मैंने लहसुन डाला, ये मैंने ऊपर क्यारी में लगाया हुआ, बहुत मज़े का बनता है ये भी ना, ज़्यादा इसका। अच्छा, ये मैं चिकन की पोटे हैं 3 पाव, आधा किलो से ज़्यादा ही है, इसको मैंने ना छोटे छोटे पीसेस की करके और अच्छे से धो लिए, और इसको अच्छे से बना करनी है इसकी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इस तरह भून लीजिए ना, स्मेल ख़त्म हो जाए और जायका भी अच्छा बनता है। लेमन डालने लगी हूँ इसलिए कि मेरे पास टमाटर नहीं था, वो स्किप कर दिया मैंने। टमाटर से ना जायका अच्छा बनता है, थोड़ा थोड़ा ना खट्टा खट्टा जायका आता है, तो बहुत मज़े का लगता है। ये मैं नमक डालने लगी, नमक अपने जैकेट के हिसाब में डालना। हमारे घर में भी कुछ खाते हैं ना बच्चे, कुछ नहीं खाते, जो खाएंगे वो ये खा लेंगे, बाकी कुछ और खा लेंगे, ऑर्डर वगैरह कर लेंगे। हाँ जी, मेरी डन हो गई है वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बच्चों को तो पसंद नहीं होती सब्जी आती है ना, इन्होंने ऑर्डर कर लिया तो ये पिज्जा मंगाया।
ये बर्गर हो गया है। ये चावल घर की चीज़ बनी है तो बच्चों को पसंद ही नहीं ना आती, जितनी देर बाहर की खाना लें।